हेलो फ्रेंड्स, कार्डियल जुबिलेंस विशिंग यू वेलकम टू जेड प्लस अकेडमी चैनल अगेन। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व वर्ड फ्रेमिंग फ्रॉम स्पीड डिस्टेंस टाइम फ्रॉम टॉपिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 3.6 थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी प्रॉब्लम एंड इट इज गोइंग ऑन। और बिफोर दिस जो एपिडेमिक कोरोना है, आप लोग उससे बस दो चीज़ें, एक्सट्रीम विल पावर टू सर्वाइव एंड योर इम्यूनिटी पावर, एक्सट्रीम विल पावर टू सर्वाइव एंड योर इम्यूनिटी पावर एंड सम जनरल बेसिक डेली रूटीन्स कि आप जैसे हर दो घंटे पे जस्ट अभी 2 आवर्स इंटरवल आप गर्म चाय साल्ट वाटर गर्म करके वो लेते रहिए, ठीक है। और 1 मिनट का लॉन्ग ब्रीदिंग, 1 मिनट की लॉन्ग ब्रीदिंग आप करते रहिए, डेफिनेटली यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कोरोना, ठीक है, आई थिंक। नाउ आप लोग से अपील है कि आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वेरी प्रॉब्लम जस्ट फ्रेमिंग ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लगता है अगर दम है चैनल में, ठीक है, इसकी टीचिंग में, इसके वे में, तो प्लीज़ आप अपने भी लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाइएगा, ठीक है। ये हमारी कार्डियल अपील आपसे, ठीक है। और नाउ अब हम चलते हैं इस पर क्वेश्चन पर, बट बिफोर गोइंग ऑन क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि जो भी मैं फ्रेमिंग पर्टिकुलर फ्रेमिंग आर बीइंग डिस्कस्ड बाय जेड प्लस अकेडमी चैनल, जस्ट लर्न दैट ओनली फॉर वंस इन लाइफ, ठीक। अब मैं बिफोर सॉल्विंग दिस मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम की फ्रेमिंग बताने जा रहा हूँ कि आप एक चीज़ जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यानी इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको करना चाहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू करना चाहिए तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये आपके पास। अब ध्यान रखिएगा, जस्ट यू हैव टू, मैं फिर बोला, वर्ड प्रॉब्लम करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट योर ब्रेन, इसके बाद एवरी प्रॉब्लम विल बी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल वे, आप सिर्फ फॉलो करिए वर्ड प्रॉब्लम बोलता क्या है, बस साइलेंटली उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, कह क्या है बस उसको आपको फ्रेम कर देना है मैथमेटिकल आर्डर में, ठीक है। अगर जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की प्रॉब्लम है तो कोशिश ये करिए कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, जस्ट आई हैव टू फ्रेम दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कमान जो जो चीज़ें आपके पास दी गई है उसको गिवन में करके वो दे दीजिए, जो चीज़ अनोन है उसको आप एक्स वाई के रूप में, वेरिएबल के रूप में आप उसको एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। कमान अब चलते हैं हम यहाँ पर, और टाइम देखिए, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, द सेम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। जैसे मैं कहूँ कि आपको 200 किलोमीटर चलना है, ठीक, 200 किलोमीटर चलना है और आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहे हैं, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल सकते हैं, तो बताइए 200 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम कवर करेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 देन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे लगेंगे। द सेम थिंग इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, और याद रखिए जो भी चीज़ अनोन होगी उतनी मेथड से बाई द सेम नंबर ऑफ मेथड्स जो है दैट कैन बी सॉल्व, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, रोही किसी प्लेस से 300 किलोमीटर तय करके अपने घर पहुंचती है, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, कुछ दूरी वह ट्रेन से चलती है, कुछ दूरी बस से चलती है, सी टेक्स 4 आवर्स, वह 4 घंटे लेती है, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस,
वह अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी डिस्टेंस 300 किलोमीटर में से वह बस से चलती है तो वह 4 घंटा लेती है। एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, और अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और रिमेनिंग बाई बस से चलती है तो उसको 10 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए ठीक है, 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली आपको फाइंड आउट करना है। तो कम ऑन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन दो मेथड से लग सकता है बट वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी। पहला तो ये चीज़ है, दो चीज़ दोनों की स्पीड अनोन है, तो दोनों की स्पीड हम एज्यूम कर लेंगे एक्स वाई में, वह एक मेथड हुआ। नाउ दोनों का अलग अलग सेपरेटली टाइम भी अनोन है, वो भी अगर हम लेकर के करना चाहें तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, बट चूँकि वीडियो बहुत लॉन्गर हो जाएगी दैट्स वाई मैं बहुत ही कम मतलब तने एक चीज़ को जो स्पीड अनोन है, स्पीड पूछ रहा है उसी को हम मान ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं। लेट ट्रेन्स स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है, जो पूछ रहा है जो अनोन है उसी को एज्यूम कर लीजिए। ट्रेन्स स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आर एंड बस की स्पीड की जो है आपकी वाई किलोमीटर पर आ रहे, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि मान लीजिए रोही यह एक प्लेस से, यह इसका होम तक ये जो है यह 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो पहला वो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से चलती है, ठीक है, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। मान लीजिए 60 किलोमीटर अगर ये बाई ट्रेन चलती है तो इसका मतलब 300 में से 60 किलोमीटर हटा देंगे तो यह 240 किलोमीटर वह बस से, यानी यह ट्रेन से है उसका और यह बस से। ठीक, अब देखिए ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आ रहा है, ध्यान देख रहिएगा। अब टाइम इसको यहाँ पर कितना लगता है, यहाँ तक पहुँचने में इसके घर तक 300 किलोमीटर या 4 आवर्स लगता है यह इस कंडीशन में। कमान तो आप सेपरेटली ये निकाल लीजिए कि ट्रेन से कितना टाइम लगता है और बस से कितना टाइम लगता है। अगर डिस्टेंस 60 किलोमीटर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, यानी 60 अपान एक्स आवर्स यह ट्रेन से लगेगा। और बस से कितना टाइम लगेगा, अगेन यह जो डिस्टेंस है यानी 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वाई किलोमीटर कर देंगे तो यह बस का टाइम आ जाएगा, यानी आपका 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वाई कर देंगे तो यह आपकी बस का टाइम है। जबकि बोल रहा है कि ये दोनों मिला करके यानी दोनों को अगर ऐड किया जाए तो यह 4 घंटे का टाइम है, ये 4 घंटे टाइम निकल गया है। अब आपका यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहला फ्रेम हो गया, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल और इजी में भी ये आपका फ्रेम हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऊपर जस्ट टाइम रेजिंग अप साइड इसको रेज कर दे रहे हैं, और जो ये मिला है हमको इतना समझाने का जो हमको कन्फ्यूजन मिला है, यानी 60 अपान एक्स प्लस 240 अपान वाई इज इक्वल टू 4 आवर्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट से, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा फिर उसी को हम समझा रहे हैं, द सेम आई एम गोइंग कि रूही यहाँ पे रूही यहाँ से स्टार्ट करती है, इसका होम है, ठीक है, यह 300 किलोमीटर है। ठीक, अभी कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, यानी वो अगर सपोज दैट 100 किलोमीटर अब ट्रेन से चलता है, रिमेनिंग बाय बस यानी बचा कितना, 200 किलोमीटर बचा, ठीक है, 200 किलोमीटर बचा। अब ट्रेन की यह ट्रेन का है, यह बस का रूट है, ट्रेन में एक्स किलोमीटर पर आर है, तो इसमें जो टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, मान लीजिए जितना ट्रेन से है तो यह 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई एक्स या आर्स टाइम आ जाएगा, किसका आ जाएगा, यह ट्रेन का टाइम आ जाएगा। सेम बस का टाइम जो है, चूँकि बस का वाई किलोमीटर पर आर है, ठीक है, तो अगेन बस के द्वारा जो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी करते हैं, यानी 200 डिवाइडेड अपान वाई
आज ये टाइम किसका होगा जो है, यह बस का टाइम होगा। और बोल रहा है कि दोनों मिला करके जो पहला टाइम है पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगता है, क्योंकि यूनिट कैलकुलेशन में वेदर इट इज फिजिक्स आर फिजिकल केमिस्ट्री आर मैथमेटिक्स यूनिट हमेशा सेम रखी जाती है। जैसे ये 4 घंटे में दिया है तो 10 मिनट को भी घंटे में बदल दीजिए, 10 मिनट में कितने घंटे होंगे डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स कर दीजिए, यह आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो बोला कि इतना तो लग ही रहा है प्लस 1, इतना 10 मिनट ज़्यादा यानी 1/6 और ज़्यादा लगता है, यानी ये दोनों का मिला करके 4+1/6 यह इतना टाइम लगता है। तो अब इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, 6×4=24, 15 यानी 25/6 इतना टाइम लगता है। अब इस फ्रेमिंग को ध्यान रखिए, ये चीज़ जो है आपका, ये हम ऊपर लिख दे रहे हैं, सपोज दैट आपकी वीडियो पर ये नहीं दिख रहा होगा जो है, लेट मी सी कि ठीक ठीक यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है, सॉरी यहाँ आप लिख सकते हैं यानी 25/6 ये टाइम लेता है दोनों मिला के। अब जो ये सेकंड इक्वेशन की आपका मिल गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इसको हम उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। अभी अगर ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड देन आई एम पुटिंग अपसाइड जस्ट बिलो फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा 100/x + 200/y = 25/6 ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। और हाँ, वन थिंग मोर, अब आप देख रहे हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इट हैज बीन नॉट गिवन इन दैट वे जो है, एज स्टैंडर्ड फॉर्म यू नो कि a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2, तो इस फॉर्म में नहीं दिया है, यह ऑलरेडी जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो घबराने का नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं y इधर करें, x इधर करें, फिर x y उधर ले जाए, ये सब चक्कर मत पड़ेगा, डायरेक्ट बिल्कुल जो है साफ साफ केवल x को उड़ाना दे दो, y को उड़ाना तो y को। अब देखिए, अब ये ध्यान दे, एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले हम उस वेरिएबल को पार्ट को पकड़ेंगे जिसमें कोफिशिएंट बिल्कुल छोटे हैं, इजी है। अगर जिसमें 240 या 200 है तो इसको नहीं पकड़ेंगे हम, 60 और 100 थोड़ा सिंपलर है, इनको पकड़ लेते हैं, क्या कर देते हैं, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 600 कोफिशिएंट हो जाएगा, और इसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन इस इक्वेशन में कर दें, यानी ध्यान रखिएगा कि हियर इफ यू मल्टीप्लाई 10, 10 कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी 600, और यहाँ पर इफ आई मल्टीप्लाई 6 देन अगेन इन सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी 602, ठीक। अब इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझते रहिएगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप थ्रू मैसेज वीडियो मैसेज डाल सकते हैं चैनल को। देखिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम 600 डिवाइडेड बाई एक्स, फिर 10 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, दिस बिकम 2400 डिवाइडेड अपॉन वाई इज इक्वल टू 10 का 4 मल्टीप्लीकेशन होता है, दिस 4 अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। नाउ यू गो ऑन सेकेंड इक्वेशन, यू मल्टीप्लाई 6 टू सेकेंड इक्वेशन, कम ऑन 600 डिवाइडेड अपॉन एक्स, देन 6 मल्टीप्लाइड विद 200 इट बिकम्स 1200 डिवाइडेड अपॉन y इज इक्वल टू, जब यहाँ पर c2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक कट जाएगा, दिस विल बी 25। अब ये इतना जब आपका आ जाता है, ध्यान रखिएगा इसको हम अप साइड अब मिटा देते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड थ्रू द स्टेपिंग, ठीक है, कम ऑन। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, यानी जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसको पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, इट विल बी एलिमिनेटेड, और ये आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, 2400 डिवाइडेड अपॉन वाई इट बिकम्स 2400 डिवाइडेड अपॉन वाई माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 1200 डिवाइडेड अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये आपका 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, ठीक है, कम ऑन।
आफ्टर सब्सट्रैक्शन हम देख पाते हैं ये आ जाएगा, डेनोमीटर सेम है तो 2400 से 1200 सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट विल बी 1200 डिवाइडेड अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 है, वाई वन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस बिकम 15y इज इक्वल टू 1200, ठीक है, और y इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 15 8 120 यानी 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी हो जाएगी बस की स्पीड। कमान बस की स्पीड y था, y की वैल्यू आपने 18 निकाला और इसकी यूनिट 8 किलोमीटर पर आवर रखेंगे, ये आ गया। अब इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को आप रख देंगे, ठीक है, वैल्यू रखने से जो आप वैल्यू पुट करेंगे कि पहला आपने निकाला था 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 240 डिवाइडेड अपॉन वाई इज इक्वल टू था ये 4 आवर्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू 80 आई तो 60 डिवाइडेड अपॉन एक्स प्लस या 80 यानी 240 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, या फिर ये आपका हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी एक्स इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आर, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यानी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर यू हैव कैलकुलेटेड 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वेरीफाई करिए कि ये सही आता है कि नहीं, एक एक इक्वेशन को वेरीफाई कर लीजिए। अब पहला है 60 किलोमीटर ट्रेन से यानी 60 बाई 60 हो जाएगा, फिर 240 किलोमीटर बाई बस तो 240 डिवाइडेड बाई जो स्पीड आई आपकी 80 आई है, देखिए या 60 बन जा 61 आर आ गया या 80 थ्री जा 24 आ गया और बराबर 4 आवर्स टाइम दे रहा है, देखिए पहला आपका वेरीफाइड हो जा रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप दूसरे को वेरीफाई करना चाहें तो 100 किलोमीटर ट्रेन से यानी बाई 60 प्लस फिर रिमेनिंग 200 बचता है जो उतना बस से चलता है डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 5 जा 2 3 जा प्लस अब इसको काटेंगे ये आपका आ जाएगा 4 से काटेंगे 5 बाई 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 5 जा 10 प्लस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 यानी 25 बाई 6 आवर्स टाइम, 25 बाई 6 आवर्स टाइम मतलब 4 आवर्स प्लस 1 बाई 6 यानी 6 4 जा 24 125 बाई 6 यानी यह ऑलरेडी 100% यू हैव वेरीफाइड बोथ कंडीशंस, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन जस्ट अब आपका सॉल्यूशन ये निकल चुका है, ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद जो है आप नाउ ऑल ऑफ यू हैव गॉट द सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि मेथड सही है और इसे हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं तो प्लीज़ शेयर को मैक्सिमम इसको शेयर करिए आप लोग, और इस क्वेश्चन को हम अभी एक मेथड से और लगा सकते हैं, टाइम एज्यूम कर लें x आवर्स y आवर्स तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वीडियो आज बहुत लंबी हो गई, आई एम सॉरी, बट है कि आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। वी आर मीटिंग वंस अगेन वेरी सून विद अ न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडियाज़। थैंक यू।